हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दुतासा जी, श्री सचिन पायलट जी, नरेंद्र बुडानिया जी आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, कृष्ण पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये शराब उमड़ पड़ा आपके यहाँ पर दालनगर में, ये इस बात का प्रतीक है। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास राहुल जी पे है, हम सब पे हैं, इसलिए मैं आपको इतने आह्वान करूँगा, काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अब वक्त आ गया है आपको, नरेंद्र बुडानिया जी आपके अपने हैं, आपने उनके काम को देखा है, उन्होंने कोई कमी रखी नहीं काम करवाने के अंदर। और मैंने भी जो मांगा बुडानिया जी ने, मैंने कभी मना नहीं किया। आपके यहाँ पर सावा में कॉलेज खुली है, तारनगर में कृषि कॉलेज खुली है, आयुर्वेद कॉलेज खुली है, तारनगर में गर्ल्स कॉलेज को पीजी किया है, और तो और तारनगर उप जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, राजपुरा में पीएचसी खोला गया, डीवाईएसपी का ऑफिस है, कुमाराम आर्य नहर जो पहले हमने घोषित किया था 2003 के अंदर, सरकार बदल गई हमारी, ही राजेंद्र राठौड़ मंत्री बन गए, इनके साइन है उसके अंदर। इन्होंने उस काम को, जो नहर का काम था 120 किलोमीटर का, उसको कैंसिल करने वाले का नाम क्या है, राजेंद्र राठौड़ नाम है, वही उम्मीदवार आपके बीच में है। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैंने वापिस 120 किलोमीटर नहर का मैंने घोषणा करी, 60 किलोमीटर बन चुकी है, और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार रिपीट करो, इस नहर को और आगे बढ़ाएंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी तो राहुल गांधी जी ने कह रखा है, हमें चार मुद्दे दिए, बाढ़ जोड़ो यात्रा, महंगाई का शानदार काम किया, महंगाई का आधार शिविरों के अंदर, बेरोजगारी का 3 लाख नौकरी लग रही है, शायद देश में कहीं नहीं लग रही होगी, प्यार मोहब्बत भाईचारे का वो संदेश आप जानते हो कि हमारे यहाँ विभाग खुल गया है शांति व अहिंसा का, और गरीब अमीर की बिना खाई नहीं बढ़नी चाहिए। तमाम मेरी योजनाएं आप देखोगे बारीकी से, इतने कानून पास किए हम लोगों ने, योजनाएं लाए हैं, महंगाई राहत शिविर में गारंटी दी है, और 7 गारंटी और दी गई जा रही है आपको, जो आपके पास में पहुँच चुकी है। इतना ही जाना चाहूँगा आपको, कृपा करके अभी समय की कमी है, मौसम खराब हो गया, आने में देरी हुई है, राहुल जी बोलेंगे, आपके मैं आह्वान करूँगा, सामने जो भाग जाए चुरू से, ऐसे भगोड़े व्यक्ति को क्यों जिताओ आप लोग, आप समझ सकते हैं। पहले भी आए थे, वापिस गए, फिर आए, क्या कारण है भाई, अपना क्षेत्र छोड़ क्यों रहा है, क्यों छोड़ता है क्षेत्र को, वही छोड़ता है जो वहां पे काम नहीं करता। आपको मैं आह्वान करूंगा, बुडानिया आपका अपना है, राहुल जी ने सोच समझ के, खड़गे साहब ने सोच समझ के इनको पुनः उम्मीदवार बनाया है, आप सब इनका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास इनके साथ रहे। चुनाव जीतने के बाद में जो ये आप कहोगे इनको तमाम काम करेंगे, क्योंकि मैंने कह रखा था पहले भी इनको कि बुडानिया तुम मांगते मांगते थक जाओगे, सरकार देते देते नहीं थकेगी, यही बात मैं आज कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।